सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ओप्पो K1 के बारे में। तो इस फोन को चाइना में लॉन्च कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये फोन आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाए। एक जमाना था जब हम वीवो को और ओप्पो को बहुत ज़्यादा गालियां देते थे कि भाई वीवो का फ़ोन कचरा है, मत लो, अच्छा नहीं होता है, ये नहीं होता है, प्राइजिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2018 में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सच में वीवो और ओप्पो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और साथ में ये देखते हुए कि आपको वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में भी मिलते हैं, तो उसी के देखते हुए प्राइजिंग भी ठीक लग रही है और स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा इस बार 2018 में आपको वीवो के और ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिल रहा है। ओप्पो ने लॉन्च कर दिया ओप्पो का K1 चाइना में लॉन्च किया है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको ये फ़ोन इंडिया में भी देखने को मिल जाए। और सच में यार फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा दम है और मुझे पर्सनली फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर यही स्पेस यही सेम प्राइजिंग के साथ इंडिया में भी ये फ़ोन आ जाता है तो डेफिनेटली Realme 2 Pro, MI का Mi A2 और जितने भी इस प्राइस रेंज में फ़ोन है ना, उन सभी फ़ोन को ये फ़ोन पूरी तरह से किल करके रख देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बात करते हैं डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि नोच के साथ आएगा, वाटर ड्रॉप नोच। 19.5:9 का यहाँ पर आपको स्क्रीन एक्सपेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। 2.5D कर्व ग्लास का डिस्प्ले आने वाला है और साथ में ये AMOLED डिस्प्ले है। जी हाँ, AMOLED डिस्प्ले है। और जी हाँ, AMOLED का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलता है। जी हाँ, इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट यूज़ किया गया है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, उम्मीद करते हों, लेकिन अभी दो वेरियंट है, 4GB 64GB और 6GB 64GB, जिसको आप माइक्रोएसडी कार्ड लगा के 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड्रॉइड का 8.1 एंड्रॉइड ओरियो मिलेगा, जो कि ColorOS 5.2 के ऊपर चलने वाला है। बैक साइड में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा 16+2 MP का, और फ्रंट में आपको 25 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ 5 मिलेगा, डुअल 4G बैटरी को सपोर्ट करता है। 3600 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। तो फ़ोन काफ़ी धमाका है, अगर यही प्राइजिंग जो है जो चाइना में लॉन्च किया है, 4GB 64GB की प्राइजिंग अराउंड 17,000 rupees है और 6GB 64GB उसकी प्राइस 19,000 के आसपास है। तो यही प्राइजिंग के साथ अगर आता है ना, तो सबसे सस्ता इन डिस्प्ले स्मार्टफोन ये बन जाएगा इंडियन मार्केट में, और तब शायद डेफिनेटली Realme 2 Pro को काफ़ी ज़्यादा अच्छा से टक्कर होने वाला है, क्योंकि Realme 2 Pro अभी वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है 20,000 के प्राइस रेंज में, या फिर आप कह सकते हैं कि 15,000 के प्राइस रेंज में। और इस फोन में आपको वह सभी कुछ मिल जाएगा जो आप एक स्मार्टफोन खोजते हैं। अभी मुझे यह स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब उम्मीद करते हैं कि सही प्राइजिंग के साथ लॉन्च कर दे, हम देखते हैं कि यही प्राइजिंग आता है कि नहीं आता है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द लॉन्च कर दे। आजकल ना इंडियन मार्केट में अगर आप एक हफ्ता रुक जाइए कोई नया फोन आ जाएगा, फिर दो हफ्ते रुक जाइए कोई दूसरा फोन आ जाएगा, मतलब हर एक हफ्ता में तीन चार फोन तो लॉन्च हो ही जाता है हर एक मंथ में। तो आ रहा है ओप्पो का K1, आप लोग क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको ये फोन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।